शरारत करना बुरी बात है दोस्तों। डिंग डिंग। अमारा केनिची तदाहिरो केनिची अमारा केनिची हो गया। अब मैं तुम सबको इलेक्शन का रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। केनिची मित्सुबा को प्राइम कमेटी का हेड चुन लिया गया है। केनिची तुम्हें बधाई हो। मुझे प्राइम कमेटी का हेड चुनने के लिए तुम सबका शुक्रिया। देखूंगा इस केनिची को। तो तुम हेड बन गए। इसका मतलब तुम्हें ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अपनी कमेटी का हेड चुन लिया है। हाँ, अब मेरी पर्सनालिटी ही इतनी जोरदार है तो मैं क्या करूँ। लेकिन तुम लोगों ने स्कूल में शरारत करने के लिए प्लान कमेटी बनाई है क्या? नहीं, शरारतों को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई है। कैसी शरारतें? जैसे कि आजकल स्कूल में लड़कियों पर प्रैंक करने का फैशन चला हुआ है। तब तो ये बहुत बुरा हुआ। वो क्यों? क्योंकि स्कूल में लड़कियों को परेशान करने में तुम खुद नंबर वन हो। गई भैंस पानी में। बेकार की बातें मत करो हथौड़ी, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। खैर, अब तुम्हें पूरी क्लास ने कमेटी का हेड चुना है, इसलिए जरा दिल लगाकर काम करना केनिची। बस तुम देखते जाओ, अब मैं कमेटी का हेड बन गया हूँ तो अब मैं किसी को लड़कियों के साथ कोई शरारत नहीं करने दूंगा। गोली तो हमें ही लग गई। ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी नहीं। नहीं, वो तो थोड़ी मिट्टी लगी थी, साफ करा था। जल्दी हो गई सर। मजा आएगा। वहीं रुक जाओ। ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी नहीं सर। ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी नहीं। सॉरी, गलती हो गई। केनिची बन गया हीरो। तुम्हारी वजह से लड़के अब हमें तंग नहीं करते। तुम सब ने मुझे अपना हेड चुना है, ये तो मेरा फर्ज है। तुम्हारा जवाब नहीं, तुमने हमारा दिल जीत लिया। ये शक्ल का और अकल का जीरो केनिची लड़कियों का हीरो बन गया है। कुछ करना पड़ेगा बॉस। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, मतलब तुम अपनी जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरह निभा रहे हो। हाँ हाँ, चाहे कोई कितना भी शरारती स्टूडेंट हो लेकिन वो मेरे सामने कुछ नहीं कर पाता। कल भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छे, अब इस निडर और जोशीले केनिची को देखने मैं भी कल स्कूल आऊँगा। रुको रुको, ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी नहीं। आज के दिन की शुरुआत भी बड़ी अच्छी हुई, मजा आ गया। अब देखना केनिची, असली मजा तो तुम्हें अब आएगा। कोई देख नहीं रहा है? ये है मेरा सीक्रेट हथियार। अब देखते जाओ हमारा की निंजा टेक्निक का कमाल। अब छुप जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग। यही मौका है। क्या हुआ? पता नहीं किसी ने अचानक मेरी स्कर्ट खींची। मेरी भी खींच दी। मेरी भी। लेकिन यहाँ से तो सिर्फ मैं ही गुजरा हूँ और तो यहाँ कोई नहीं है सिवाय एक के, और वो है केनिची। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैंने तुम्हारी स्कर्ट खींची थी? हाँ, तुम्हारे सिवाय यहाँ कोई और नहीं था, इसका मतलब तुम ही ने स्कर्ट खींची है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात मानो। तुम कमेटी के हेड होकर ऐसी हरकत करते हो। मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। सुनो सुनो, इस हीरो को जीरो नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी हमारा नहीं है। चलो आज मैं छुप कर देखूंगा कि केनिची प्रैंक कमेटी का हेड बनकर कैसा काम कर रहा है। जरूर स्कूल में सब लड़कियां उसकी तारीफ कर रही होंगी। हमें तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगा कि तुम हमारी सुरक्षा कर सको। क्या केनिची, तुम तो हेड हो ना, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी बात मानते क्यों नहीं? कुछ नहीं किया। सुनो तो, क्या मुसीबत है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो मामला उल्टा ही चल रहा है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। केनिची, गुड मॉर्निंग। युमिका, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम खुद प्रैंक कमेटी के हेड हो, उसके बाद भी तुम ऐसी गंदी हरकत कर रहे हो। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मैं सच कह रहा हूँ। इस केनिची को थोड़ा और मजा चखाना चाहिए, इस बार मैं युमिको के साथ अपना नुस्खा आजमाता हूँ। तुमसे कोई बात नहीं। युमिको, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। डिंग डिंग। मुझे पता था इस सबके पीछे चालबाज अमारा का हाथ होगा। चलो अब दिखाओ अपना कमाल। मेरी बात का यकीन करो, मैं भला ऐसी हरकत क्यों करूंगा? मैं सच कह रहा हूँ। डिंग 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 डिंग।
टिनिंग? मैंने कुछ नहीं किया। रुको युमिको। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये क्या हो गया? केनिची! नहीं, ये मैंने नहीं किया। टिनिंग, यही मौका है। दीवार पर से फिसलने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग डिंग। कैसे गिड़गिड़ा रहा है युमिको? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे क्लास में जाना है। ये क्या हो गया? मेरी बात का यकीन? अरे हमारे ऐसे क्यों लेटे हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये क्या है? तो ये सब तुम्हारी हरकत थी? नहीं, वो दरअसल। तो इस सब के पीछे इस चालबाज हमारा का हाथ था? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, काम आ गया, रुक जाओ। ये सब हमारा ने किया था, तो उससे कभी बात नहीं करूंगी। चलो, अब केनिची पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। वैसे भी अंत भला तो सब भला। और हाँ, हमें भी किसी के साथ ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, समझ गए ना दोस्तों? डिंग डिंग। युमिको का पोस्ट कार्ड जल गया, अब क्या होगा? डिंग डिंग। बड़ा मन लगा कर पढ़ रहे हो केनिची? हाँ हथौड़ी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे हथौड़ी, ये क्या कर रहे हो? डिंग, इस पर हाथ मत रखो। तुम्हें नहीं पता, ये पोस्टकार्ड मेरे लिए युमिको ने खास तौर से भेजा है। ओ सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। युमिको ने मुझे ये झुमरी तलैया से भेजा है, इसमें तस्वीर भी है। अच्छा, और तुम उसे इसका जवाब भेज रहे हो? तुम कितने समझदार हो हथौड़ी। अल्लाह मिला के तुम भलाई कर रहे हो। जो ये कभी नहीं करता। ओह नो। डिंग 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 डिंग। क्यों केनिची, किसे लेटर भेज रहे हो? मैं युमिको को लेटर भेज रहा हूँ, उसने मुझे ये पोस्ट कार्ड भेजा था। क्या, उसने तुम्हें भी पोस्ट कार्ड भेजा है? इसका मतलब उसने तुम्हें भी पोस्ट कार्ड भेजा था? हाँ भेजा है, ये देखो ना। अरे हाँ, तुमने सोचा भी कैसे कि वो मुझे पोस्ट कार्ड नहीं भेजेगी? अरे मेरी और उसकी बहुत पुरानी दोस्ती है, तभी तो मैं ये पोस्ट कार्ड तकिए के नीचे लेकर सोऊंगा। मैं भी इस पोस्ट कार्ड को खुद युमिको समझ कर इसे बहुत संभाल कर रखता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। चल, डबल बैटरी। पोस्ट कार्ड ने मचाया धमाल। युमिको ने कितना सुंदर पोस्ट कार्ड भेजा है, मैं इसे जब चाहे देख सकता हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, केनिची कितना मन लगा कर पढ़ रहा है, देखो। अरे ये क्या हो गया? ओ नो, पोस्ट कार्ड आग में गिर गया, कहीं वो जल ना जाए। अरे ये तो वही पोस्ट कार्ड लगता है जो उस घोचू को युमिको ने भेजा था, उसके अरमान जलकर खाक हो गए। शिंजो, ये क्या कर रहे हो शिंजो? आग से मत खेलो, जल जाओगे। मिल गई न्यूज। ओह नो, अमारा ने तो सब देख लिया है, अब मैं क्या करूँ? हथौड़ी, अपनी किसी निंजा टेक्निक की मदद से इसे पहले जैसा बना दो। कुछ चीजें निंजा टेक्निक की हद से भी बाहर होती हैं। ऐसा मत कहो, अगर ये पहले जैसा नहीं हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी हथौड़ी। अमारा ने भी सब देख लिया है, अब मेरा क्या होगा? केनिची, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मजा आ गया। अच्छा डिंग डिंग, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये अरे ये क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ बल्ले भाई? देखो, इसके अक्षर मेरे हाथ पर छप गए हैं। हाँ। अगर हम अक्षर को दबाने की निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है हम तुम्हारे पोस्टकार्ड को पहले जैसा बना सकते हैं। लेकिन तुम्हें वैसा ही पोस्टकार्ड लाना होगा जैसा उसने तुम्हें वहाँ से भेजा था। केनिची, पिछले साल तुम झुमली तलैया घूमने गए थे तो वहाँ से पोस्टकार्ड लाए थे ना, वो कहाँ है? अरे हाँ, शायद वो मेरे पास अब भी है। कहाँ है पोस्टकार्ड? कहाँ है पोस्टकार्ड? कहाँ है? मिल गया पोस्टकार्ड। अब मैं अक्षरों को निंजास की खास इंक से गाढ़ा कर देता हूँ। लाओ केनिची, अब मुझे वो वाला पोस्टकार्ड दे दो। डिंग डिंग, अक्षर दबाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। केनिची, अब ये बिल्कुल पहले जैसा हो गया। क्या बात है हथौड़ी, ये तो एकदम असली जैसा है। चलो, तुम्हारा काम बन गया। अभी इसमें एक कमी है, इसमें स्टैंप नहीं लगा है, और मुसीबत तो यह है कि स्टैंप भी झुमरी तलैया का लगा होना चाहिए। एक और नई मुसीबत। मैं झुमरी तलैया जाकर वहाँ के पोस्ट ऑफिस से वहाँ की स्टैंप लगवा लाऊंगा। लेकिन हथौड़ी, वो पोस्ट ऑफिस तो यहाँ से बहुत दूर है। एक निंजा कभी भी और कहीं भी चुटकियों में पहुँच सकता है। चला हथौड़ी ठप्पा लगवाने। हथौड़ी को बहुत देर हो गई ना, लगता है वो घड़ी खराब हो गई है। नहीं, गली तो ठीक है। आ गया हथौड़ी, आ गया। हाय केनिची, कैसे हो तुम? युमिको,
लेकिन तुम तो अगले हफ्ते वापस आने वाली थी ना। इसके पापा को ऑफिस का कोई जरूरी काम था इसलिए पहले आ गई। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ और यहाँ आते समय हमारा मिल गया इसलिए हम दोनों एक साथ आ गए। मुझे भी इसने एक गिफ्ट दिया है, ये देखो। थैंक यू, ये लो। ओह थैंक यू केनिची। तुमने मुझे जो पोस्टकार्ड भेजा था ना उसे मैंने बहुत संभाल कर रखा है युमिको। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा हमारा। केनिची तुम्हें जो युमिको ने पोस्टकार्ड भेजा था उसका तुमने क्या किया? असल में वो पोस्टकार्ड मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था इसीलिए मैंने उसे संभाल कर लॉकर में रखवा दिया है। अरे वाह बड़ी अच्छी बात है, तो अगर तुम्हें एतराज न हो तो तुम वो पोस्टकार्ड दिखाओगे? वो बात ये है कि वो पक्का तुम्हारे पास ही है ना, या फिर कहीं कचरे वचरे में फेंक दिया और कचरे को जला दिया? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमें जरा सबूत दो ना। असल में मम्मी घर पर नहीं है इसलिए। मैं मम्मी को यहाँ बुलवा लेता हूँ। हथौड़ी हथौड़ी तुम आ गए। ये रहा तुम्हारा पोस्ट कार्ड, मैं इस पर वहाँ की स्टैम्प भी लगवा लाया। तुम्हारा जवाब नहीं हथौड़ी। डिंगिंग, ये लो युमिको। अरे वाह तुमने इसे सच में संभाल कर रखा है। अरे लेकिन इस पर तो आज की डेट की स्टैम्प है ना? क्या? ओह नो, अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को आज भेजा गया पोस्ट कार्ड कल यानी एक दिन पहले मिल जाए? मुझे माफ कर दो, असल में ये वो पोस्ट कार्ड नहीं है जो तुमने भेजा था। मैं कुछ समझी नहीं। हा? सुनो युमिको, असल में हुआ ये कि जो पोस्ट कार्ड तुमने से भेजा था वो गलती से आग में गिरकर जल गया था, इसलिए मैंने केनिची के लिए उसकी जगह ये डुप्लीकेट पोस्ट कार्ड बना दिया था। क्या चोरी ऊपर से सीना चोरी? फिर हमने देखा कि इस पर स्टैम्प नहीं है इसलिए भले भाई इतनी दूर झुमली चलाया गया और इस पर स्टैम्प भी लगवा कर लाए। मुझे माफ कर देना हथौड़ी। अच्छा तो ये बात है, अब समझ गई। केनिची और हथौड़ी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं बहुत खुश हूँ। क्या लेकिन तुम्हारा पोस्टकार्ड तो इन्होंने जला दिया था। कोई बात नहीं, हमारा मेरे पास ये वाला है ना। लेकिन इस पर तो आज की डेट डाली हुई है। थैंक यू युमिको, अब इस बार मैं इसे सच में बहुत संभाल कर रखूंगा। चलो शुक्र है सब ठीक हो गया, कम से कम मेरे पैरों के छाले बेकार तो नहीं गए। ओ छाले, आखिर में सब ठीक हो गया इसलिए मेरे पैर के छाले भी शुक्रिया कह रहे हैं। डिंग डिंग डिंग, केनिची ने की कड़ी मेहनत। डिंग डिंग, सब बच्चे ध्यान से सुने, आज से 3 दिनों तक हम फिजिकल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन लेंगे। आज इस वॉटिंग बॉक्स के ऊपर से कूदना होगा, जैसे ही मैं नाम पुकारू इस बॉक्स के ऊपर से कूदना, समझ गए? यस सर। केनिची तुम्हें ठंड लग रही है क्या? तुम बच्चों की तरह कांप क्यों रहे हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तुम्हें डर लग रहा है? अच्छा तो सबसे पहले कूदने आएगा कान्यारी। यस सर। बहुत अच्छे, अब बारी है अमारा की। यस सर। ये है मेरी धमाकेदार जंप। कैसी रही? वाह अमारा क्या बात है। वाह अमारा तुम्हें 100 पॉइंट्स मिले हैं, तो अब केनिची की बारी है। यस सर। ऑल द बेस्ट केनिची, अच्छे से करना। सर क्या हुआ हमारा? ये बॉक्स ना थोड़ा सा खिसक गया है, अगर आप कहें तो मैं इसे सही कर दूं। हाँ अच्छा हुआ तुमने देख लिया। ये हमारा का बच्चा अच्छा बनने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अब इस जबरदस्त स्प्रिंग को इसके नीचे लगा देता हूँ, फिर आएगा असली मजा। केनिची तुम अब इस पर से कूद सकते हो। बहुत डर लग रहा है। तुम रॉकेट कैसे बन गए? अरे अब मुझे कोई नीचे तो उतारो। ये तो लटक गया। फिर क्या हुआ? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ओ हथौड़ी तुम। डिंग डिंग डिंग। अरे केनिची तुम स्कूल से आ गए, ये तुम क्या कर रहे हो हथौड़ी? मुझे मछली खाना पसंद है इसलिए मैं उसे ग्रिल कर रहा हूँ। क्या तुम ग्रिल फिश खाकर देखना चाहोगे? नहीं मेरा मछली खाने का मन नहीं कर रहा। डिंग। मछली तो इसे बहुत पसंद है फिर भी मना कर दिया, लगता है इसका मूड ठीक नहीं है। अच्छा तो ये बात है केनिची। हथौड़ी असल बात तो ये है कि मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। केनिची अगर तुम कोशिश करो तो तुम भी मेरी तरह आसानी से स्ट्रांग बन सकते हो। लेकिन हथौड़ी तुमने मुझे बताया था कि तुम मछली बहुत खाते हो, तुम्हें मछली बहुत पसंद है ना हथौड़ी? हाँ बताया था तो। तो तुम मेरे लिए मछली रोस्ट कर दो, मैं भी स्ट्रांग बन जाऊंगा। क्या कहा? केनिची तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अगर तुम इतनी सारी मछली एक साथ खाओगे तो तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। बहुत सारी मछली खाऊंगा फिर मैं भी हथौड़ी की तरह स्ट्रांग बन जाऊंगा। अब मेरा पेट भर गया, खाना बहुत अच्छा था, अब मैं जॉगिंग करने के लिए जा रहा हूँ। क्या कहा? जॉगिंग के लिए? हाँ मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है। गुड बाय।
वैसे मानना पड़ेगा इस बार केनिची के इरादे काफी मजबूत हैं। क्या जॉगिंग? वैसे आइडिया बहुत ही अच्छा है। मालिए से मेरा ट्रैक सूट निकालो। अभी लाई। केनिची काफी दूर पहुंच गया होगा, है ना? वो आ रहा है केनिची। रुको केनिची। पापा, हथौड़ी और शिंजो भी है। क्या हुआ, क्या बात है? केनिची, तुम अपनी जॉगिंग पूरी करके वापस आ गए हो क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तो 5 किलोमीटर जॉगिंग करके आ रहा हूँ। फिर क्या हुआ? आज हम इस लोहे की रॉड के ऊपर से कूदेंगे, तो अब मैं एक एक करके सबका नाम पुकारूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ क्या बात है केनिची? आपको एतराज न हो तो सबसे पहले मैं कूदना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं केनिची, आज तुम काफी जोश में लगते हो, चलो तुमसे ही शुरू करते हैं। आज मैं सबको हैरान कर दूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से सबकी नजरों में हीरो नहीं बनने दूंगा। धागे से टांग खींचने की निंजा टेक्निक। अरे मैं हवा में कैसे लटक गया? छोड़ दिया। केनिची ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इस रॉड के ऊपर से कूदना है, इस तरह के करतब नहीं दिखाने हैं। क्या बात है केनिची? मैं आ गया। तुम्हें अमारा ने फिर से अपनी किसी चाल का शिकार तो नहीं बनाया ना? सॉरी प्लीज, मुझे स्ट्रांग बना दो, मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग। अच्छा अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। अच्छा बताओ केनिची, तुम इससे तेज नहीं भाग सकते ना? भाग सकता हूँ, ये देखो। मैं तुम्हें बताता हूँ तेज कैसे दौड़ते हैं और अपनी ताकत भी देता हूँ। डिंग 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 डिंग। अब मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने वाला हूँ केनिची। डिंग डिंग। ये क्या कर दिया, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। इसने तो भागने के साथ दीवार पर चलने की टेक्निक भी सीख ली। तो स्टूडेंट्स, आज हम मैराथन कंपटीशन करने जा रहे हैं, देखते हैं आखिर तक कौन टिका रहता है। चलो रेडी, 1 2 3। केनिची आज सबको दिखा दो। All the best, केनिची। अच्छे से दौड़ो बच्चों, चलो चलो शाबाश। नहीं छोड़ रहा। अब मैदान में सिर्फ केनिची और अमारा बच्चे हैं, देखते हैं क्या होता है। सालसी केनिची में आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई? मुझे लगता है जरूर हथौड़ी इसकी मदद कर रहा है। परछाई पकड़ने की निंजा टेक्निक। बाहर निकल हथौड़ी, मैं तुझे पहचान गया हूँ, दम है तो सामने आ। अरे हमारा डांस करते करते क्यों दौड़ रहा है? ओए हथौड़ी कायर कहीं के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, निकल बाहर, चल आ जा। केनिची ने कमाल कर दिया, आखिर उसने दिखा ही दिया कि वो किसी से भी कम नहीं है। Come on, try, try, but don't try. Ding, ding.